नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं यहां पे आपको बताने वाला हूं झारखंड राज्य फसल राहत योजना में अपना दोस्तों आवेदन पत्र या तो फॉर्म को कैसे भरना है हाथ से। इस वीडियो में दोस्तों आपको कंप्लीट जानकारी बताने वाला, हाथ से भर के दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को आखिर तक बने रहना। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि दोस्तों इसी चैनल पर कोई भी नया अपडेट आएगा, जैसे ही कोई भी जानकारी आएगा तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पे मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों उसके लिए सबसे पहले ये वाला फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है वेबसाइट से। कैसे डाउनलोड करना है उसको भी वीडियो को लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों ये वाला आवेदन किसान पत्र जैसे ही आप दोस्तों रैयत के लिए घोषणा पत्र या तो शपथ पत्र डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, तभी दोस्तों आपका वेरीफाई होगा। जैसे यहाँ पे देखते हो, अब दोस्तों इसमें क्या क्या भरना है चलिए मैं डिटेल में समझा देता हूँ। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं लिखा, यहाँ पे आपका नाम को भर देना है, फिर आपका यहाँ पे पिता या तो पति का नाम भर देना है, फिर दोस्तों आपका यहाँ पे गांव का नाम भर देना है, फिर दोस्तों यहाँ पे दोस्तों पोस्ट ऑफिस का नाम भर देना है, फिर यहाँ पे आपका प्रखंड का नाम भर देना है यानी कि ब्लॉक का नाम, फिर यहाँ पे आपका जिला, फिर यहाँ पे राज्य में झारखंड सभी लोगों को भर देना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है वर्ष, यहाँ पे दोस्तों 2023-24 यहाँ पे लिख देना है। जैसे यहाँ पे मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ 2000 यहाँ पे 23, जैसे यहाँ पे 23, फिर यहाँ पे इस टाइप से 24 भर देना है। जैसे यहाँ पे देखते हो इस टाइप से दोस्तों यहाँ पर आपको 2023-24 भर देना है। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। उसके बाद यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, जैसे यहाँ पे दोस्तों अगर दोस्तों आप धान लगाए तो धान में इस टाइप से टिक कर देना है, फिर बुआई का रकबा यहाँ पे बोल रहा है कितना एकड़ में लगाए हो। जैसे दोस्तों यहाँ पे एक एकड़ लगाए हो तो एक एकड़ यहाँ पे इस टाइप से आपको लिख देना है। जैसे यहाँ पे देखते हो इस टाइप से एकड़ लिख देना है। अगर आप चार एकड़ लगाए हो तो यहाँ पे चार एकड़ लिख देना है। अगर मकई लगाए हो तो मकई में भी क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिनांक, जिस दिन भी आप अप्लाई करोगे इसको भर रहे हो उसका यहाँ पे डेट को लिख देना है। उसके बाद यहाँ पे आपका हस्ताक्षर, जैसे मेरा हस्ताक्षर इस टाइप से जो भी है यहाँ पे हस्ताक्षर आपको कर देना है, या तो पूरा नाम आप यहाँ पे लिख देना आवेदक किसान का हस्ताक्षर। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपका वार्ड से या तो मुखिया से आपको सिग्नेचर कराना है। तो सबसे पहले यहाँ पे वार्ड या तो मुखिया का दोस्तों यहाँ पे मोहर लगेगा और सिग्नेचर यानी कि साइन करेगा। साथ में दोस्तों यहाँ पे वार्ड अगर है तो वार्ड का नाम लिखना है, फिर पद ग्राम प्रधान है या तो मुखिया है उसको डिटेल में यहाँ पे मुखिया अब ऑलरेडी वो भर देगा। तो इस टाइप से दोस्तों इस फॉर्म को घोषणा पत्र को आपको भरना है, उसके बाद दोस्तों अपलोड करना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि इसमें आपको डाउनलोड कैसे करना है ये वाला फॉर्म। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आ जाना है इसी वाले पोर्टल पे। जैसे यहाँ पे देखते हो इस पोर्टल को आने के लिए आप डायरेक्टली झारखंड राज्य फसल राहत योजना वाला वेबसाइट पे आ जाना। उसके बाद यहाँ पे 3 डॉट आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखते हो 3 डॉट, आपको 3 डॉट बटन पे क्लिक करना है। 3 डॉट बटन पे जैसा ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है देखते हो डाउनलोड का, तो आपको इसे डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। डाउनलोड बटन पे जैसा ही क्लिक करोगे आपको स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन जैसे ही करोगे तो दोस्तों यहाँ पे देखते हो तीसरे नंबर में आ जाता है घोषणा पत्र रैयत। अगर दोस्तों यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन दिख रहा है तो इसे डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक जैसे ही करोगे तो यहाँ पे देखते हो इस टाइप से आ जाएगा, फिर डाउनलोड बटन पे आपको क्लिक करना तो डाउनलोड हो जाएगा। मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पे तीसरे नंबर ध्यान से देखिए ना, घोषणा पत्र रैयत लिखा है, तीसरे नंबर को ही डाउनलोड करके भरना है। उसके बाद वार्ड या तो मुखिया से साइन करवा के अपलोड करना है। नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, A to Z वीडियो में बताऊंगा। तो बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है। कोई भी दिक्कत आता है, कुछ भी पूछना चाहते हो तो मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके मैसेज करना, मैं सभी लोगों का प्रॉब्लम तुरंत से तुरंत सॉल्व कर देता हूं। तो इस वीडियो में यही चीज आपको जानकारी देना था। जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।